सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। अगर सहज जैसा मीठा परिणाम चाहिए तो मधुमक्खियों की तरह एक रहना जरूरी है, चाहे वो दोस्ती हो, परिवार हो या संगठन। कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं और विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। हम चीजों को उस तरह से नहीं देखते जिस तरह से वे हैं, बल्कि हम चीजों को उस तरह से देखते हैं जिस तरह से हम हैं। आज का पंचांग 15 फरवरी 2020, दिन शनिवार, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, शाम 4:29 तक रहेगी। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। विशाखा नामक नक्षत्र सुबह 5:09 तक रहेगी। इसके उपरांत अनुराधा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय सुबह 9:50 से 11:13 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात शुभ समय दोपहर 12:13 से 12:58 तक रहेगा। आज चंद्रमा तुला राशि पर रात्रि 11:19 तक रहेगी। इसके उपरांत वृश्चिक राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कुंभ राशि पर रहेंगे। तुला राशि 15 फरवरी 2020, दिन शनिवार। आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, खूब मजे करें। आज आपकी भावनाएं स्थिर रहेंगे और आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। आज आपका आत्मविश्वास आसमान छू रहा है, इसका फायदा उठाएं। अपने आत्मविश्वास व ऊर्जा का अगर आप सही प्रयोग करें तो आप वो अवश्य हासिल कर पाएंगे जो कि आपने अपने लिए तय किया है। आपको खुद पर बहुत यकीन है, लेकिन अति आत्मविश्वास और अधिकार जताने की प्रवृत्ति से बचें। दूसरों पर अपनी राय थोपने की आदत से आज आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। केवल सही होना ही काफी नहीं है, आपको इसमें अभी ध्यान देना होगा कि आप दूसरों को नाराज ना करें। थोड़ा नरम रवैया अपनाएंगे तो काफी लंबित कामों को आज पूरा कर पाएंगे। आपके पास अच्छा मौका है अपने काम के परिणाम को दोगुना या तीन गुना करने का। शब्दों के साथ जिज्ञासा और सुविधा आपको कई काम पहले ही करने की अनुमति दे देगी। फोन वार्तालाप, लिखित पत्राचार और चैट की संभावना है। यह आपके लिए निसंदेश व्यस्त अवधि होगी। अपने कार्य करने के तरीकों को समय के साथ बदलना समझदारी रहेगी। सावधानियां, अभी परिवार की उस चिंता को नजरअंदाज करें जिनके कारण आप जल्दबाजी में निर्णय ले सकते हैं। मद्यपान, जुआ या असुरक्षित यौन संबंध आपके लिए हानिकारक है। इसके बजाय उन गतिविधियों पर ध्यान दें जो आपके जीवन को उद्देश्य की भावना प्रदान करें। लव लाइफ की बात करें तो आज आप अपने अतीत के किसी व्यक्ति से मेल मिलाप कर सकते हैं। यद्यपि ये व्यक्ति आपके लिए प्रेम के रिश्तों से हटकर होगा, वह व्यक्ति आपको महत्वपूर्ण दिशा निर्देश या ऐसा मार्गदर्शन कर सकता है जिससे कि काफी लंबे समय से जो भ्रम है और परेशानियां आपके जीवन में थी उन्हें दूर किया जा सकता है। इस जानकारी की मदद से आप अपना पहला कदम इस घाव को भरने में उठा सकते हैं। करियर की बात करें तो अगर आप बेरोजगार हैं तो एक अवसर आज आपके दरवाजे पर अपनी दस्तक दे सकता है। दोनों हाथों से इसे लें। आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, कृपया करके मुफ्त सलाह प्रदान करने वाले से दूर रहें। आप नौकरी पाने के पश्चात अपनी ईमानदारी और समर्पण दिखाएं। आपको एक नए क्षेत्र से अवसर प्राप्त होगा, विभिन्न क्षेत्रों से आप अपने लिए नौकरियां खोजेंगे। सेहत की बात करें तो
आपके लिए अब स्वास्थ्य संबंधित मसले बहुत महत्वपूर्ण हैं। अपने मन को अपने लिए सर्वोत्तम फिटनेस कार्यक्रम निश्चित करने दें। आपके पास अपने सभी मनपसंद व्यंजन खाने के कई मौके आएंगे, लेकिन अब अपने खाने को लेकर काफी सावधान रहें, नहीं तो खाने का आनंद लेने के स्थान पर आप पाचन तंत्र से जुड़ी तकलीफों को भी न्योता दे सकती हैं। आज का उपाय। आज आप उड़द की दाल, काला कपड़ा, काले तिल किसी गरीब को दान करें। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।